हाँ बोलिए सर, क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम है, क्या पहले आप अपना परिचय और किस पेपर से हैं वो बहुत बताइए। मैं किसान से हूँ से हैं। नहीं नहीं जो पूछेंगे वो बताएं। आप कुछ पूछें, अपना प्रश्न पूछने से पहले अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम विजय कुमार है, तो आप देखिए। हाँ ठीक है, पूछिए पूछिए। सर क्या मोटिव था आज का ये प्रेस बात? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, केंद्र सरकार जितने विभाग हैं उनके जो माननीय मंत्री हैं वो जाएं, जो हमारा ये जम्मू कश्मीर जो सुबह मैंने यूनियन टेरिटरी है, जाएं और वहाँ देखें अपने विभाग के जो कार्यक्रम हैं उसका लाभ वहाँ के लोगों को मिल रहा है। साथ ही जो केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है, लोगों की क्या और समस्याएं हैं उनसे जो इंटरेक्शन होना है उसको करना है। उसी के क्रम में सबसे पहले तो हम लोग फोरनून में अखनूर गए थे और वहाँ हमारे जितने DDC BDC और पंचायती राज के हमारे लोग जनप्रतिनिधि थे उनके साथ बातचीत भी हुई, बैठक भी हुई और उसके बाद हम लोग यहाँ आज आए हैं। और ये जो हमारा जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने अपना एक कार्यक्रम रखा था जितने हमारे जो कस्टमर हैं उनके साथ ये कार्यक्रम रखा गया था कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं स्टील के, जो हमारे यहाँ पर उपभोक्ता हैं उनको किस किस प्रकार की परेशानी होती है स्टील को मिलने में, उनके बारे में विचार विमर्श हुआ। उन लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, उस पर हमारे चेयरमैन सेल ने सभी बातों को जवाब दिया। हम लोगों का लक्ष्य ये है कि जो भी हमारे यहाँ पर उपभोक्ता हैं उनको अच्छे क्वालिटी का स्टील, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव रेट पर, मिल जाए। और इसलिए हम लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाहू एक्सप्रेस से शुभम लगे बात कर रहा हूँ सर। आपसे एक सवाल है, जो प्रोग्राम रखा गया जिसके तहत तमाम नेशन जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर पहुँचे सर, जम्मू कश्मीर में जो सपने दिखाए गए थे सभी सबको टैंकी से और होने के बाद, ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट हुए अगर इसके तहत लोगों को रोजगार मिलेगा सर, आपको लगता है कि जो उसने बात कही गई थी वो साकार होते हुए दिखाई दीजिए। देखिए एक बात आप जान लीजिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं और उसको पूरा करने में जिस प्रकार की व्यवस्था करनी होती है वो करते हैं। अभी मैं अपने इन्वेस्टमेंट की बात की, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज यहाँ बैठी हुई हैं अनु मल्होत्रा जी, मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि हाँ जब से घोषणा हुई है जो हमारे नई औद्योगिक नीति आई है उसके चलते वो बता रही थी कि 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए। जब प्रपोजल आए हैं तो निश्चित रूप से उस प्रपोजल के अनुरूप बहुत सारी उसकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को भी देखना पड़ता है। और जब प्रपोजल आ गए हैं तो इस बात को तो समझना चाहिए कि लोगों में उत्साह है और वो चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में हम निवेश करें, निवेश करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्वरोजगार के भी अवसर पैदा होंगे और इसका दूरगामी प्रभाव कश्मीर के चहुमुखी विकास पर पड़े। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात रखी है, ये जो हमारा MSME सेक्टर है, MSME सेक्टर में
सबसे ज़्यादा रोज़गार सृजित होते हैं। और ख़ास करके अगर हमारी मिनिस्ट्री का अगर देखिएगा जो स्टील में, इसमें हमारा जो सेकेंडरी जो हमारा ये स्टील होता है वो सबसे ज़्यादा लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर में ही है, तो एमएसएमई सेक्टर को तो बढ़ावा सरकार दे ही रही है। आप देखेंगे बजट में भी उनके बढ़ने की, उसके प्रोत्साहन की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा जिसको आप छोटे और लघु और कुटीर उद्योग कहते हैं उसकी संभावना भी है। और अपने आप देखिएगा कि आपका जम्मू कश्मीर में हमारा स्टील सेक्टर में तो जो है वो है ही, जो हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उसमें तो स्काई इज द लिमिट। आप जानते हैं इतना सुंदर फल सब्जी फूल हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ है, उसमें बहुत सारे रोज़गार की संभावनाएं हैं। और सरकार की ओर से न सिर्फ उसमें पैकेज की बात की गई है बल्कि उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है, और उसको लेकर के लोग यहाँ के जो भी हमारे नौजवान साथी हैं जो उद्यमी बनना चाहते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, उनको लाभ। देखिए जैसे यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा स्टील का जो है यहाँ पर ज़्यादा तो हमारा कंज्यूमर है, यहाँ पर हमारा कोई रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए कोई हमारा यहाँ प्राइमरी स्टील का कोई यूनिट नहीं है। अब प्रोसेसिंग यूनिट एक लगा था, कोशिश हुई थी, लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम थी जो फ्रेट के चलते। अब तो धीरे धीरे आप जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर रेलवे का जो नेटवर्क बनाना शुरू किया है, आगे आने वाले समय में जो है रेलवे का जो नेटवर्क यहाँ बन जाएगा, न सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर तक जब रेलवे लाइन पहुँच जाएगी तो लॉजिस्टिक्स में काफ़ी बड़ा सुधार होगा। और फिर अपने आप जो है देखिएगा कि उसका कॉस्ट जो है कमेगा, तो हमारे जो हमारे खास करके जो स्टील के हमारे जो जितने भी इस तरह के उद्यमी हैं उनको उसमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और आगे आने वाले समय में एक बार आप देख लीजिए, अब आप देख रहे होंगे पूरे दुनिया में अपने देश में भी कि जो जितने हमारे व्हीकल्स हैं उनका जो आप देख रहे हैं कि अभी उसकी भी एक स्क्रैप की पॉलिसी आई है। तो आगे चल के जब ये स्क्रैप जब इकट्ठा काफ़ी होगा तो जो सेकेंडरी स्टील वाले हमारे जो लोग हैं उसमें उसको काफ़ी उसका भी उपयोग करेंगे, तो इसकी संभावनाएं हमारी आगे और बढ़ेगी। और धीरे धीरे आप यहाँ जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, इतना रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना हाउसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, और जिस प्रकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, स्टील का कंजम्पशन यहाँ बहुत बढ़ेगा। और स्टील का स्ट्रक्चर आप जान लीजिए, एक तो ये ग्रीन प्रोडक्ट होता है, आप स्टील का जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो कभी ख़राब थोड़े होता है, आप आगे उसको जब करिएगा रिसाइकिल हो जाएगा, तो आगे आने वाले समय इसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी, इसकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी। और निश्चित रूप से शुरू में कॉस्ट ज़्यादा होता है, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर देखिएगा पूरे इसका एंड ऑफ लाइफ देखिएगा साइकिल तो फेवरेबल होता है। तो आगे चल कर करके आज आप देखते हैं दुनिया में हिंदुस्तान जो है नंबर टू का स्टील प्रोड्यूसर है, चाइना नंबर एक पर है, आगे आने वाले में हम लोग इसको और बढ़ा रहे हैं। और इसकी उपयोगिता भी नीचे बढ़ेगी, प्रधानमंत्री की देखिए योजना है, अब नल जल घर घर पहुँच रहा है, इसमें इसकी आवश्यकता होगी, गैस का कनेक्शन घर घर पहुँच रहा है, इसकी इसमें बहुत सारी आवश्यकताएँ होंगी, तो इसकी संभावना बहुत है। और मैंने बताया ना कि आगे हम लोगों का अभी 300 मिलियन टन जो लक्ष्य है देश में स्टील का उत्पादन करने के लिए, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बन रहा है उसको लेकर के हम लोगों ने आज एक निर्णय भी लिया है कि आगे आने वाले समय में यहाँ कितने स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से अब रेलवे की कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो कैसे उसके लिए हमारे पास यहाँ और भी डीलर हों, हमारे पास बड़ा स्टॉक यार्ड है, कैसे हमारा मटेरियल वहाँ उपलब्ध रहे। तो हमारा क्या काम है कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी रहे और इसके लिए पर्याप्त जो हमारे स्टॉक भी रहे वहाँ पर और हमारे डीलर भी हों, जिससे कि जहाँ भी हमारे लोग जिनको आवश्यकता हो तो क्वालिटी का स्टील कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मिल जाए।
थैंक यू।